बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू और यूट्यूब चैनल टेक इन्फो। अब्दुल अलीम रिकी आपकी खिदमत में एक बार हाजिर है। आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आप इस अभी तक ऐसे लोग हैं कि इस वक्त अभी तक इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि ऐसे नहीं आने वाली वीडियो जो आपको इन्फॉर्म कर सके, जो आप लोगों को एप्लीकेशन के हवाले से हो चाहे वेबसाइट के हवाले से, वो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच जाए। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि ये एप्लीकेशन आया था 2022 में, अभी उसको एक साल मुकम्मल हो चुका है। अभी आ चुका है 2023 का जनवरी का महीना इस वक्त चल रहा है, जिसमें आप अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ टैपकेंट एप्लीकेशन के बारे में, जो आप काफ़ी ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं, अभी तक लोग इसको सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में। तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इस 2023 के पहले महीने में ये एप्लीकेशन जो है बंद है, फुल बंद है। आप इसमें बिल्कुल काम ना करें, ये एप्लीकेशन आपको कोई काम नहीं देगा। आप अगर इसमें वर्क करेंगे तो वो फजूल होगा, तो आप इसको स्टॉप करें, इसमें वर्क करना स्टॉप करें। अगर आपने इस तरह के जो अर्निंग के हवाले से वीडियोस हों, चाहे अर्निंग के हवाले से वेबसाइट हो, आप घर बैठकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप 100% वर्क कर सकते हैं। रियल वर्किंग एप्लीकेशन, रियल वर्किंग वेबसाइट मेरे वीडियोस में मौजूद हैं। तो आप जाके मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे। आप वहाँ से जाके उन एप्लीकेशन में काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके जो आपका टाइम है वो फिजूल बिल्कुल ना जाए। तो जल्दी जल्दी से जाके चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे वीडियोस देखें और अर्निंग स्टार्ट करें अपनी। अगर वीडियो आप दोस्तों को पसंद आती है तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।